हेलो दोस्तों, यूट्यूब प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे और आप स्टेप बाय स्टेप यूट्यूब का प्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ थंबनेल कैसे बनाया जाता है इस वीडियो में आप सीख सकते हैं। आप इस तरह का थंबनेल मिनटों में बना सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थंबनेल साइज यहां पे हम ले लेंगे। थंबनेल साइज आप देख सकते हैं, यहां से लेने के बाद सब उसके बाद बैकग्राउंड बनाएंगे। उसके लिए इमेज एक चूज कर लेते हैं। यहां से आप देख सकते हैं इतना सारा इमेज है, इसमें से एक बैकग्राउंड के लिए हमने इमेज ले लिए और इसको फुल कर दिए। फुल करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर कलर करेंगे। इसके लिए ब्लर इमेज एक रेड हम लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत सारा हम रखे हुए हैं, यहाँ से रेड वाला चूज कर लेते हैं। उसके बाद इसको फैला देते हैं। ठीक, आप देखिए कैसे स्ट्रेच कर देना है, एक तरफ खींच देना है और उसके बाद इसका कलर करके ब्लैक करके एडजस्ट कर देना है। जहाँ जहाँ रखना है वहाँ वहाँ रख देंगे। ठीक है, आप अपने अनुसार जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद फिर से इसका एक कॉपी बनाएंगे। कॉपी बनाकर फिर से इसको एक जगह एडजस्ट करेंगे। जैसे इधर रेड कर दिए और रेड इधर एक साइड में लाकर कोने में डाल दिए। फिर एक और कॉपी करके इधर डाल दिए और फिर एक ऊपर डाल सकते हैं। अगर ऐसे कर लेते हैं उसके बाद ये सभी को एक लेयर में करेंगे। ठीक है, एक देख लीजिए, ये ऊपर एक छोटा कर देते हैं और ऊपर डाल देते हैं, हल्का सा शैडो की तरह दिखना चाहिए। अब ऐसे करने के बाद ये सभी को एक लेयर में कर देंगे। जो भी यूज़ किए हैं PNG ब्लर टाइप का, इसको एक में कर देते हैं, लेयर को एक में कर लेंगे। ठीक है, अब इसका ऑपेसिटी थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक, ताकि नीचे का बैकग्राउंड दिखे। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब अपना एक शेप लेंगे और शेप लेकर इसका कलर कर देंगे। आप देख सकते हैं रेड हम कर दिए। उसके बाद अपना फ़ोटो लेंगे इंपोर्ट से और PNG फ़ोटो यहाँ लगा दिए। फ़ोटो लगाने के बाद अब क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसको और नीचे वाले लेयर को कलर कर देना है ताकि आउटलाइन इसका बन जाए। ठीक, तो यहाँ से कलर पे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे और इसका कलर एडजस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ब्लैक, लेकिन हमको एडजस्ट करके इस तरह का कर लेना है। ठीक, उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रोफेशनल टेक्स्ट, जो भी लिखना है। आप देख सकते हैं प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाए लिखेंगे। ठीक, अभी हम प्रोफेशनल लिख दिए, इसका फॉन्ट वही रहेगा। शैडो हल्का सा दे देते हैं ब्लैक से, आप देख सकते हैं कम थोड़ा करके इसको रखना है, इतना रखना है जितना पे अच्छा दिखे। ठीक है, अब देखिए हम इतना रख लिए। उसके बाद लिखेंगे थंबनेल कैसे बनाए। ठीक, फिर से टेक्स्ट पे गए, कॉपी किए और इसको थंबनेल में थंबनेल कैसे बनाए। देखिए आप इस तरह से लिख लेना है। इसको बड़ा कर देते हैं, फिर इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। ठीक, यहाँ जाकर फॉन्ट चेंज कर देंगे और इसको कलर करेंगे। ठीक है, कलर में जाएंगे, उसके बाद अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेंगे, जो भी कलर रखना है, जिस तरह जितना एडजस्ट करके जिस तरह से रखना है उस तरह से आप भी कर सकते हैं। ये कर लिए, अब लिखेंगे कैसे बनाए। ठीक, कैसे बनाए लिख लिए और इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक, जितना पे अच्छा लगे। इसका फॉन्ट भी हम यहाँ से जाकर AB फॉन्ट से और यहाँ से पोपिंस फॉन्ट डाल लेते हैं। ओके, यहाँ से पोपिंस फॉन्ट सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद ओके करने के बाद ऐसे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक PNG लगा लेते हैं और इसके कैसे बनाए के बाद एक क्वेश्चन मार्क दे दिए। ठीक है, अब अच्छा दिख रहा है। एक और शेप लेकर थंबनेल साइज़ का इसको बनाएंगे, छोटा में थंबनेल साइज़ का। ठीक, और थोड़ा सा कर्व कर देंगे इसको। बाद टेक्सचर पे जाकर इमेज इसमें अपलोड कर देंगे दोनों में। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं एक इमेज को हमको चेंज करना था तो इस फिर से एक थंब को चेंज कर दिए और ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।